जरा इस ट्रेन को देखिए। ट्रेन के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब जरा इस सुरक्षा व्यवस्था को देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे परेड हो रही हो। यह दावा किया जा रहा है कि यह ट्रेन है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की और विदेश में उसे ऐसी सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन कहीं भी किम जोंग दिखाई नहीं दे रहा। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर किम जोंग गया कहां। पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर बैठे किम जोंग की ऐसी खातिरदारी कौन सा देश कर रहा है? तो आपको बता दें कि किम जोंग के चीन में होने की खबर है। बताया जा रहा है कि किम जोंग अपने इस खास ट्रेन से चीन पहुंचा, जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। हालांकि चीनी मीडिया इस दौरे पर पूरी तरह खामोश है, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर यह ट्रेन किम जोंग की ही मानी जा रही है। जापान के एक न्यूज चैनल ने एक वीडियो जारी किया है। दावा किया है कि नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच एक रेलवे ब्रिज बना है और इसी ब्रिज से किम जोंग की ट्रेन चीन पहुंची। देखिए, यह है वो वीडियो जिसके जरिए दावा ठोका जा रहा है। इसके अलावा एक और तस्वीर है जिसकी वजह से यह ट्रेन किम जोंग की मानी जा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। यह शख्स है किम जोंग उन का पिता किम जोंग इल, और इस फोटो में दिख रही ट्रेन बिल्कुल वैसी ही है। इस मीटिंग को काफी अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि जल्द ही नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच वार्ता होने वाली है और हो सकता है इसके लिए किम जोंग बीजिंग में रणनीति बनाने गया हो। बहरहाल चीन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया समेत अमेरिका ने भी अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है कि इस खास ट्रेन में किम जोंग बीजिंग पहुंचा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।